नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। आज सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से पूरे सियासी गलियारे में हलचल है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया है, और अब ऐसे में सरकार और विपक्ष में आर पार की स्थिति बन गई है। बीजेपी कह रही है कि यह एक पारदर्शी योजना थी, तो वही कांग्रेस इसे भ्रष्टाचार का जरिया बता रही है। आज की अड़ी इसी पर। हमारे साथ तमाम पार्टियों के प्रवक्ता होंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाई है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से चुनाव आयोग को बॉन्ड की पूरी जानकारी देने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि 12 अप्रैल 2019 से अब तक की सभी जानकारी सार्वजनिक की जाए। कोर्ट ने कहा चुनावी बॉन्ड से ब्लैक मनी व्हाइट की जा रही है। चुनावी बॉन्ड सिस्टम पारदर्शी नहीं है। एसबीआई को चुनावी बॉन्ड जारी करने पर रोक लगाते हुए चुनाव आयोग से 6 मार्च तक जानकारी साझा करें, यह कहा है कोर्ट ने। इसी सभी दान को रसीद के साथ, यानी चुनाव आयोग दान की रसीद के साथ एक हफ्ते में इसको सार्वजनिक करे। 15 दिन की वैधता वाले बॉन्ड जो अभी जारी कर दिए गए हो और वो अभी भुनाए नहीं गए हो तो वो बॉन्ड लौटाने होंगे। अब आपको बताते हैं कि चुनावी बॉन्ड व्यवस्था थी क्या। दरअसल चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का जरिया था। इसका उद्देश्य राजनीति के चंदे को रेगुलेट करना। इस योजना की घोषणा 2017 में हुई और 29 जनवरी 2018 को यह योजना लागू कर दी गई। चुनावी बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1,000 से 1 करोड़ तक के बॉन्ड जारी करता था और उस बॉन्ड की वैधता 15 दिन तक रहती थी। अब आपको बताते हैं कि चुनावी चंदा के लिए पार्टियों की पात्रता क्या थी। जो पार्टी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड है और आम चुनावों में कम से कम 1% वोट जिसे हासिल हुए, इस शर्त को मानने वाली पार्टी ही चुनावी चंदा लेने के लिए पात्र थी। और देखिए, इस पर हम आपको यह बताते हैं कि क्या बीजेपी कह रही है, क्या कांग्रेस कह रही है। दिल्ली से आपको यह देखना चाहिए। यह निर्णय एक बहुत ही प्रामाणिक उद्देश्य के लिए लाया गया था। चुनाव में पारदर्शिता हो फंडिंग में, इसके लिए लाया गया था। चुनाव में कैश का प्रभाव कम हो, उसके लिए भी लाया गया था। लेकिन जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, उसके बारे में मुझे एक ही बात कहनी है। फील्ड लेवल का है या लेवल का नहीं है, ये तो उन्हीं के बारे में तय होगा ना, जो फील्ड के अंदर हैं। जो फील्ड के बाहर हैं वो लेवल में है या नहीं है, कैसे तय होगा? आप फील्ड में हैं या नहीं, कौन तय करता है? जनता तय करती है। तो अगर देश की जनता ने बहुतों को फील्ड से बाहर कर दिया है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का खुले दिल से स्वागत करते हैं। आपको याद होगा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार मनी बिल के तौर पे लेकर आई थी, ताकि राज्यसभा में इस पर कोई चर्चा ना हो, कोई बहस ना हो और सीधा पारित हो जाए। आज भी हमें डर है और हमारा डर भी जायज है। हमारा डर यह है कि कहीं फिर से कोई अध्यादेश जारी ना हो जाए, ताकि इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बच जाए सरकार। ये डर हमारा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल है। संजय कुमार हैं, चुनाव विश्लेषक हैं, अमिताभ सिन्हा हैं, बीजेपी के नेता राजकुमार भाटी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता अर्शप्रीत खडियाल हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और हमारे साथ टीएमसी की नेता सुजाता मंडल भी अभी जुड़ेंगी थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले अमिताभ जी, चुनावी बॉन्ड असंवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट का ये जो इतना जो हार्श कॉमेंट है, आप वकील भी हैं, कैसे देखते हैं इसको? धन्यवाद गौरव जी, आपने मेरे साथ बहस शुरू की, लेकिन मैं दोबारा एक निवेदन करूंगा। आपके गेस्ट कोऑर्डिनेशन को भी मैंने कहा था, मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी का परिचय नहीं चाहता हूँ, मेरा पुराना परिचय रहा है वो, लेकिन मैं यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के नाते ही यहाँ हूँ और आपको मैं उसके कानूनी पहलू के बारे में अपनी जानकारी साझा करूंगा। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो भी अभी आज जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, वो निर्णय एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का है, फैक्ट है। अब इस निर्णय के पीछे यदि उस जो मंशा सुप्रीम कोर्ट की है, मैं मानता हूं, बहुत ही जिम्मेवारी से कह रहा हूं गौरव जी, ये अल्ट्रा वायरस है, ये अधिकार के बाहर की चीज है सुप्रीम कोर्ट के। मैं सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिसिंग लॉयर के नाते बोल रहा हूं। क्योंकि ये विषय जो है वो कहीं से भी जो आर्टिकल 19(1)(a) का रेफरेंस दिया है सुप्रीम कोर्ट ने,
वो उसका वायलेशन नहीं है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट की एक बॉडी है, यानी कि एक सरकारी सार्वजनिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक है जिसके ऊपर में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक निर्धारित होती है, उसके पास सारी जानकारी है। तो इसीलिए यदि अविश्वास की बात सुप्रीम कोर्ट करेगा तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट, बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है, नंबर वन। नंबर दो, जो भी जानकारियां हैं उसके पीछे, और ये जो ये अमेंडमेंट हुआ, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करता, देश में काला धन रोकने के लिए ये एक व्यवस्था सोची गई, चाहे वो किसी भी पार्टी की ओर से हो, लेकिन उसका स्वागत तो आर्बिट्री है। एक मिनट का समय दीजिए, बहुत संवेदनशील मसला है। अब इसमें यदि मान लिया कि वो काला, किसी को यदि पैसा देना है चुनावी मदद के लिए किसी पार्टी को, तो उसको उस व्यक्ति को अपने आइडियोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट के साथ या आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के, जिसकी ओर उसको रुझान होगा उसको देगा, जिसकी आइडियोलॉजी किसी पार्टी की नहीं है तो उसका तो भगवान जाने। अब मैं इतना कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में जो लोग राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं उसमें से मेजोरिटी जो होते हैं वो यदि बिजनेसमैन है तो वो चाहते हैं कि उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो, क्योंकि उससे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होता है। बहुत राज्यों में विरोधी दलों की सरकार है, बहुत है, ओके, तो, ओके। तो एक मिनट सर, जल्दी कंप्लीट कीजिए। 15 मिनट में इसका बहुत 15 सेकंड सर, 15 मिनट में तो पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी। नहीं, माफी चाहता हूँ, 15 सेकंड। हाँ, तो अब उसमें यदि उसको यदि एक तरीके की सीक्रेसी है जो कि ऑलरेडी एक स्टेट बैंक के पास उसका है सारा डिटेल, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का जाना इस दिशा में गलत था। लेकिन मैं अब कहूंगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट स्वयं, मैं अपनी बात कंक्लूड करता हूं, सुप्रीम कोर्ट स्वयं क्या आर्टिकल 19(1)(a) को ध्यान रखती है? कॉलेजियम के डिसीजन जो है उसके ऊपर में उसने फैसला दिया कि वो आर्टिकल 19 नहीं, पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं अमिताभ जी कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहस नहीं कर रहे हैं, हम चुनावी बॉन्ड के ऊपर बहस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है क्या नहीं करती उस पर हम बात करेंगे। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकारों से ऊपर जाकर यह फैसला दिया है, ओके, ठीक है, आपने कहा। मैं आप देखिए, आज अच्छी बात यह है कि हमारे इस पैनल में कई सारे वकील हैं, आप लॉयर हैं, अर्शप्रीत लॉयर हैं, प्रियंका कक्कड़ जी भी कानून को बहुत अच्छे से समझती हैं। अर्शप्रीत, जब आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के एक प्रैक्टिसिंग लॉयर साफ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया है, तो आप लोग तुरंत हैंड ऑन क्यों ले रहे हैं इस फैसले को, और क्यों इसको आप बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है, जब कभी भी फैसला इनके हक में ना हो ये फैसले को ही अंडरमाइन करना शुरू कर देते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे सवाल खड़े करने शुरू कर देते हैं। और आपको तो याद होगा सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर तक था कि इलेक्शन कमीशन की जो अपॉइंटिंग कमेटी है उसका हिस्सा बनाया जाए सीजेएस साहब को, इन्होंने उसको भी सरकमेंट करने की कोशिश की